सत्यवाणी, दरिद्रता क्यों आती है, दरिद्रता किस वजह से आती है, मनुष्य के पास रुपया पैसा क्यों नहीं रहता है, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य स्वयं अपने आप में दरिद्री रहने लगता है। जो सामाजिक हमारी परंपराएं हैं, परिपाटी है, उनका पालन नहीं करता है, इस वजह से भी उसको दरिद्रता की मिलती है। अब जैसे कि फटे कपड़े पहनना, फटे मोजे पहनना, छेद हो गया फिर भी मोजे पहन रहे हैं, अंडरवियर के अंदर छेद हो गया, फट गई है फिर भी अंडरवियर पहन रहे हैं, पीठ में बनियान के अंदर आगे से छेद हो गए फिर भी बनियान को पहने जा रहे हैं, जूते चप्पलों में छेद हो गया, घिस गई है, खराब हो गए हैं फिर भी पहने जा रहे हैं। तो इस प्रकार के फटे कपड़े, फटे मोजे, फटे अंडरवेयर बनियान पहनने से या फटे जूते पहनने से भी घर के अंदर दरिद्रता आती है, क्योंकि ये पहनने से राहु केतु का प्रभाव जीवन पर पड़ने लगता है, आचार विचार व्यवहार पर राहु का प्रभाव पड़ने लगता है। और जब राहु केतु का प्रभाव पड़ता है तो ये हमेशा आपको गर्त में ही ले जाते हैं, जीवन में परेशानी उत्पन्न करते हैं, और परेशानी की वजह से आपके पास पैसा नहीं आ पाता है, और पैसा आता है तो बचता नहीं है। दान नहीं देने से भी दरिद्रता आती है। आप जितना दान देते हैं ईश्वर उसका 10 गुना आपको वापस करता है। ईश्वर कभी भी अपने पास दान दिया हुआ पैसा नहीं रखता है, परंतु जो गरीब व्यक्ति होता है वो दान नहीं देता, और दान नहीं देने की वजह से वो और गरीबी में चला जाता है। और गरीब व्यक्ति ही ये फटे पुजाने मोजे पहनता है, बनियान पहनता है, जूते चप्पल भी फटे पहनता है, इस वजह से वो और गरीब होता जाता है। तो दान नहीं देने की वजह से भी दरिद्रता आती है। अस्वच्छ रहने से, अशुद्ध रहने से, अपवित्र रहने से भी दरिद्रता आती है। अब अशुद्धता का मतलब हो गया कि आप बिना स्नान किए रहेंगे, बाल नहीं कटाएंगे, दाढ़ी नहीं कटाएंगे, दाढ़ी बाल के ऊपर तेल नहीं लगाएंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे, गलत व्यक्तियों की संगत में बैठोगे, तो इसको बोलते हैं अस्वच्छता, अशुद्धता और अपवित्रता। यदि आप इस प्रकार से रहते हैं तो आपके पास दरिद्रता रहेगी, लक्ष्मी जी नहीं रहेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी वहां पर रहती है जहां पर शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता होती है, जहां सुगंध होती है। और जो मनुष्य परंपराओं को, नियम को, परिपाटी को, या फिर हमारी विभिन्न मान्यता जो प्रचलन में चली आ रही है, उन मान्यताओं का पालन नहीं करता है, तो भी दरिद्रता आती है। जैसे 30 त्योहार के ऊपर ईश्वर का पूजन करना, मंदिरों के अंतर्गत जाना, व्रत उपवास रखना, महाशिवरात्रि हो गई, होली हो गई, दिवाली हो गई, कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, ऐसे ये बहुत सारे त्योहार हैं, इन पर विशेष प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि शांति रहती, लक्ष्मी जी रहती है। जो मनुष्य स्त्री पर हाथ उठाता हो, स्त्री का अपमान करता हो, उसकी यहां भी दरिद्रता रहती है, क्योंकि स्त्री स्वयं एक लक्ष्मी है, और लक्ष्मी के ऊपर हाथ उठाओगे तो लक्ष्मी यदि अप्रसन्न और नाराज रही तो आपके यहां पर भी पैसा नहीं आएगा, इसलिए स्त्री पर कभी हाथ न उठाएं। वैष्णव होते हुए यदि आप शराब का सेवन करते हो, मांस का सेवन करते हो, तो आपके यहां पर लक्ष्मी नहीं आएगी। यदि आप पीपल काटते हो और कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हो, तो कुल देवी देवता की शापवश भी आपके यहां दरिद्रता आएगी। यदि आप अमावस्या के दिन पितरों की पूजा नहीं करते हो, 16 श्राद्ध में कड़वे दिन में पितरों की पूजन नहीं करते हो, पितरों के निमित्त पिंडदान नहीं करते हो, तर्पण नहीं करते हो, तो भी आपके यहां दरिद्रता आएगी पितरों के शाप की वजह से। पिछले जन्म के कर्मों के फल की वजह से भी आपके यहां दरिद्रता आती है। और यदि किसी के घर में पत्नी चरित्रहीन है, पत्नी आने की स्त्री हो गई, स्त्री आने की लक्ष्मी हो गई, यदि लक्ष्मी ही चरित्रहीन हो जाएगी तो आपके यहां लक्ष्मी जी नहीं टिकेगी, दरिद्रता का वास हो जाएगा। यदि आप किसी विधवा स्त्री का, यदि आप किसी तलाकशुदा स्त्री का, यदि किसी भांज स्त्री की संपत्ति को हड़प लेते हैं या संपत्ति को ले लेते हैं, और फिर उस विधवा स्त्री की हाय या बद्दुआ लगती है,
तो भी आप दरिद्रता में चले जाएंगे। इसलिए किसी भी विधवा स्त्री की संपत्ति न खरीदें, किसी बांझ स्त्री जिसके कोई संतान उत्पन्न न हो उस दंपत्ति से भी संपत्ति न लें, क्योंकि उस संपत्ति से उससे भी लेने का अर्थ है आपको कष्ट की उत्पत्ति होना। घर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर डेड बॉडी को सही तरीके से शमशान नहीं ले जाना, विधि विधान से पूजन अर्चन न करते हुए जल्दबाजी में शमशान ले जाकर के जला देना, और अन्य कोई भी जो देही कार्य होते हैं, दसवा होता है, ग्यारहवा होता है, तेरहवा होता है, ये कार्य नहीं करने से भी आपको दरिद्रता की प्राप्ति होती पितृ दोष की वजह से। इसलिए परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर विधि विधान से किसी ब्राह्मण को बुला करके आप पूजा करें तो आपको निश्चित तौर से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि किसी चरित्रहीन स्त्री की आपको हाय या बद्दुआ लग गई है तो भी आपके यहाँ पे पैसा नहीं रहेगा, आप दरिद्रता की अवस्था में रहोगे। और एक विशेष बात कि यदि आपके घर में कोई भी स्त्री जो है यदि वो मासिक धर्म से होती है और मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में जाकर के भोजन गृह में जाकर के भोजन पकाती हो तो भी आपके यहाँ पे दरिद्रता रहेगी, आप ऋणी अवश्य रहेंगे। तो यदि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होना है, रखना है, तो घर के अंदर ये वाली भी शुद्धता आपको रखना होगी कि मासिक धर्म जब तक रहेगा उस स्त्री से भोजन न बनवाएं। और कभी कभी भाग्य भी बहुत अच्छा है, आप सब नियम कानून का पालन भी कर रहे हैं, कुल देवी देवता की पूजा भी कर रहे हैं, पितरों के निमित्त भी सब दान धर्म कर रहे हैं, किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को भोजन भी करा रहे हैं, समय समय पर सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं, परंतु उसके बावजूद भी आपकी आदि दरिद्रता है, तो फिर आप ये मान के चले कि आपको तंत्र मंत्र जादू टोना काला जादू से आपकी भविष्य को रोक दिया गया है। तो इस बात का यदि काला जादू हो गया है तो निश्चित तौर से आपको बुरे बुरे सपने आएंगे, और यदि बुरे सपने आने लगे तो आप समझ जाइए कि जादू टोना हो गया है, उसका इलाज करा लीजिए, अन्यथा आप दरिद्रता की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आपके घर में बीमारी आ जाएगी, आपके यहाँ पे एक्सीडेंट होने लगेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप फिर कंगाल हो जाएंगे, आपको कहीं से ऋण लेना पड़ सकता है। इसलिए ये जितने उपाय मैंने बोले हैं, जितनी गलतियां आप करते हैं, कृपया वो गलतियां न करें और स्वच्छ सुखी जीवन व्यतीत करें। हमारी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बहुत सी परंपराएं हैं, उन परंपराओं का पालन करें, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं उन नियमों का पालन करें, जो हमारी समाज के हिसाब से जो परिपाटी चली आ रही है उस परिपाटी का भी पालन करें, और कुछ मान्यताएं चली आ रही कि ऐसा करते आ रहे हैं, अब क्यों करते ये नहीं मालूम, तो जो करते आ रहे हैं उसको करते रहिए, तो भी आपके यहाँ पे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, क्योंकि ये नियम परंपरा और परिपाटी में पूजा अर्चना ही होती है, देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है सिर्फ उनकी कृपा प्राप्ति के लिए। और यदि आप उन परंपराओं को भूल जाओगे, उन परिपाटियों को भूल जाओगे, उन मान्यताओं को भूल जाओगे, तो देवी देवता की कृपा आप तक नहीं मिलेगी, और जब आपको कृपा नहीं मिलेगी तो लक्ष्मी जी की कृपा कहां से प्राप्त होगी। इसलिए सर्वप्रथम अपने इष्ट की कृपा प्राप्त करिए, अपने गुरु की कृपा प्राप्त करिए, अपने पितरों की कृपा प्राप्त करिए, और फिर अपने कुल देवी देवता की पूजा प्राप्त कृपा प्राप्त करिए, ताकि आपके यहाँ लक्ष्मी जी का वास रहे, और घर में शुद्धता अवश्य रखें, किसी भी प्रकार का अछूत भोजन न खाएं, अछूत वाले घर में न जाएं, सूतक पातक वाले घर का भोजन ग्रहण न करें, ये शुद्धता अवश्य रखें। घर के अंदर सुगंधित द्रव्य का छिड़काव करते रहें, सुगंधित अगरबत्ती धूप बत्ती अवश्य जलाएं, ताकि आपके यहाँ लक्ष्मी की कृपा बनती बनी रहेगी। जय मां माता लक्ष्मी।